सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के उपायुक्त के निर्देशानुसार सोमवार को कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह धीरेंद्र कुमार व ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी एम्बुलेंस का विस्तार पूर्वक जांच किया। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों से लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि सरकार द्वारा तय दर से अधिक की वसूली एम्बुलेंस के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर आज शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न एम्बुलेंस का जांच कर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशि लेने की हिदायत दी गई। अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा 10 किलोमीटर के अंतर्गत कुल भाड़ा 500 तय किया है और उससे अधिक दूरी जाने पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपया निर्धारित किया गया। साथ ही 500 पीपी किट के लिए और 200 रुपये सैनिटाइजर के लिए राशि निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ एम्बुलेंस मनमानी ढंग से पैसा ले रहे हैं। अधिकारियों ने एम्बुलेंस संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि तय भाड़ा से अधिक वसूली करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर ने नवजीवन नर्सिंग होम के बगल में संचालित सभी दवा दुकानों की जांच की। इस दौरान वर्तमान समय में जरूरतमंद दवाइयों के स्टॉक से रूबरू हुए। इसके अलावा दवा दुकान संचालक को निर्देश किया कि सभी मरीजों को ससमय पर दवाई उपलब्ध कराया जाए। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। उपायुक्त के आदेशानुसार आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत सारे एम्बुलेंसों की जाँच किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित है कि जो सिंपल एम्बुलेंस है उसे 10 किलोमीटर तक 500 रुपया और उससे आगे पर किलोमीटर 12 रुपया लेना। इसके साथ 500 रुपया का पीपी किट और साथ ही 200 रुपया का सैनिटाइजर का लेना। तो आज एम्बुलेंसों को जांच किया गया, इसमें बताया गया कि लोकल जो यहां पर चलते हैं हम लोग 500 से 600 रुपया हम लोग लिया जाता है। साथ ही राज्य जाने पर कोई बताएं 4500, कोई 5000, कोई 5200, इस तरह से। तो इस संदर्भ में रेट ज़्यादा हमारा है तो उसको जांच किया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा और यथासंभव उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस संदर्भ में सारे नागरिकों से मेरा अपील किया जाता है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट है आप उसी को एम्बुलेंस को दें और यदि कोई ज़्यादा मांगते हैं तो उस पर यथाशीघ्र हमसे कॉन्टेक्ट करें या मीडिया के द्वारा हमें बताएँ।